ये शायद दुनिया का सबसे अनोखा खिलौना है। इसे बनाने के लिए आपको चार रिंग, मकनातीस, रबर का टुकड़ा, पेंसिल और लकड़ी वगैरह दरकार होगी। सबसे पहले एक रबर के टुकड़े में तीन मजबूत लकड़ियां डालें, जिससे एक मसावेल अजला मुसल्लस बने जिसके ज़िले 4 सेंटीमीटर के हों। फिर लकड़ियों और रबर को के दरमियान थोड़ा गोंद लगाएं, जिससे कि वो मजबूती से चस्पा हो जाए। फिर इस रबर के बिल्कुल दरमियान में ये रबर का गोंद लगाएं और गोंद लगाने के बाद इस पर एक 5 रुपए का मोटा सिक्का चस्पा कर दें। फिर एक कार्डशीट लें जिसके दरमियान में 1 इंच का सुराख हो और अतराफ में 3 छोटे छोटे सुराख हो। इनमें लकड़ियों को पिरोएं और इस कार्डशीट को मुतवाजन रखें। फिर 4 मकनातीस लें। ये चारों मकनातीस एक दूसरे को दफ़ा कर रहे हैं। बाहर वाले मकनातीस अंदर वाले मकनातीस को दफ़ा करते हैं। फिर कार्डशीट से निकली हुई लकड़ियों के अतराफ गोंद लगाएं और बाहर के मकनातीसों को उठाकर इस कार्डशीट पर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि मकनातीस को उलट पलट ना करें ताकि खुद बैन वही रहे जो रखे थे। कुछ देर मकनातीस को सूखने दें ताकि वो मजबूती से जुड़ जाएं। फिर एक पेंसिल लें, इसमें रिंग मकनातीस मजबूती से डाल दें और एक कागज़ की लंबी पट्टी लें, इस पर गोंद लगाएं और इसे स्पाइरल की शक्ल में पेंसिल पर लपेट लें। फिर पेंसिल को सिक्के के ऊपर टिकाएं। थोड़ा आपको पेंसिल में लगा हुआ मकनातीस हिलाना होगा ताकि मकनातीस मसावी सतह में आ जाए। अब पेंसिल को थोड़ा सा घुमाएं, आप पाएंगे कि पेंसिल अपनी ही जगह पर घूमती रहेगी। इस तरह से आपको फ्रैक्शन फ्री बेयरिंग मिल जाएगा। फिर एक कार्डशीट का पंखा बनाएं जिसके छोटे छोटे ब्लेड होंगे। इसके दरमियान में एक पिन दाखिल करें और पिन को रबर में फंसा दें। अगर इस खिलौने को आप पंखे के नीचे रखेंगे तो वह फर फर करने लगेगा और लगातार घूमेगा। ऊपर से पंखे की हवा इस प्रोपेलर को चलाएगी और पेंसिल अपनी नोक पर टिकी रहेगी और लगातार घूमती रहेगी। ये बिल्कुल एक परपेटुअल मोशन मशीन जैसा नज़र आएगा।